नमस्कार दोस्तों, वंश फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सिनेमेटिक गोल्डन टाइटल लेके आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा आप जब इसे देखोगे तो, और आप जब इसे बनाओगे तो बहुत फास्ट बनेगा और ईजली है, इसे आराम से आप बना सकते हो। तो दोस्तों, आपके पास में जब ये आप डाउनलोड करोगे, मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो ये आपको विनरेर की फाइल में मिलेगा। तो दोस्तों, आपके पास में विनरेर का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, जो आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, इसे राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट ईयर करेंगे तो यहाँ इसे हम खोल देंगे। दोस्तों, ये मेरे पास पहले से खुला हुआ है, तो एक सेकंड मैं आपको खोल के बता देता हूँ फोल्डर को। तो ये यहाँ पे ऐसे खुलेगा, ये एक्सट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ ऐसे खुलेगा। दोस्तों, अब चलिए इसे कैसे हम ईडिस में खोलते हैं देखते हैं। दोस्तों, मैंने मेरा 9 Pro ईडिस ओपन कर लिया है। दोस्तों, हर बार मुझे कहना पड़ता है कि आप मेरे वीडियो को देखो, इसे पूरा देखा करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और इसे बिना कहे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं हर रोज़ नया वीडियो डालता हूँ तो आपको उसे अपडेट होते रहिए। तो दोस्तों, ये मैंने यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ जहाँ पे अपना पड़ा है लोकेशन देंगे इसको, यहाँ से लोकेशन, ये मेरा ईडिस के इसके अंदर पड़ा है तो मैंने इसे यहाँ से ओपन कर लिया है। दोस्तों, ये अपना गोल्डन सिनेमेटिक टाइटल जो है अपना ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें, केवल अपने इमेज और अपने टाइटल चेंज करने हैं, जिसमें आपका ये सिनेमेटिक टाइटल रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, सबसे पहले हम इसे इमेज चेंज करते हैं। दोस्तों, इमेज इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें यहाँ पे चेंज इमेज लिखा हुआ है, इसको डालोगे आप तो यहाँ पे 6 इमेज मिलेगा आपको, ये वाले 6 इमेज मिलेंगे। तो इसको कैसे चेंज करना है ये हम अभी सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ से बीन में जाकर के मैं यहाँ 6 इमेज और ले आता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से 6 इमेज ले आता हूँ। तो मैं यहाँ से 6 इमेज ले आता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से 6 इमेज सेलेक्ट कर लिए हैं, मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ मेरे इसमें डेस्कटॉप में। तो ये बीन में लिया है, अब इसे कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब इसे कैसे चेंज करेंगे ये देखेंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला आपको इसमें खुलेगा, तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे चेंज पे, ये फर्स्ट में क्लिक किया तो ये ऐसा आएगा। तो इस पर ये फोटो लगाना है दोस्तों, तो इसको हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसे कंट्रोल एक्स और इस पर कंट्रोल आर, इस पर रिप्लेसमेंट करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो कंट्रोल एक्स से हम फोटो को कट करेंगे और कंट्रोल आर से इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे। तो दोस्तों, इसे अपने डिस्प्ले में एडजस्ट कर लेते हैं। तो लेआउटर में जाएंगे और लेआउटर में जाने के बाद में हमें यहाँ से इसे डिस्प्ले में फिक्स करना है, तो इसे हल्का सा थोड़ा सा जूम करेंगे दोस्तों, बस। ठीक है,
तो ये यहाँ पे पिक्स हो चुका है और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये अपना पहला इमेज तो हमने इसमें कर दिया है। दोस्तों दूसरे इमेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो दूसरा इमेज भी हम यहाँ से ले लेते हैं। ये मैंने दूसरा इमेज यहाँ से ले लिया है। कंट्रोल एक्स करेंगे और इसमें क्लिक करके कंट्रोल आर करेंगे, ये इसमें सेव हो जाएगा। तो इसको भी हम दोस्तों लेआउटर में जाके इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना यहाँ से एडजस्ट हो चुका है और इसे ओके कर देंगे। तीसरे इमेज में जाके डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से तीसरा कोई सा भी इमेज हम ले लेंगे और इसे यहाँ डाल देंगे और इसे कंट्रोल एक्स और कंट्रोल आर करेंगे, इस पर क्लिक करके कंट्रोल आर करेंगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। और इस लेआउटर में जाके इसे भी बस इसे हम यहाँ आके सेट कर देंगे, ओके कर देंगे और यहाँ से इसे अपना ये सेट हो गया है। चौथे नंबर पे जाएंगे दोस्तों, ये चौथे नंबर पे गए, यहाँ से ये ले लेते हैं। मैंने यहाँ से ये ले लिया है। मैं कंट्रोल एक्स और कंट्रोल आर करूँगा तो ये इसमें हो जाएगा और इसे भी डिस्प्ले में हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से परसेंटेज 25% करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और यहाँ से हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर, ये अपना सेट हो चुका है यहाँ दोस्तों, देखिए इसे ओके कर देंगे। इसके बाद में अपना जो इमेज है, सॉरी मैंने यहाँ पांचवा ले लिया है दोस्तों, मैं चौथा यहाँ ले लेता हूँ दोबारा और चौथे में मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कंट्रोल एक्स करेंगे और इसमें क्लिक करके कंट्रोल आर कर देंगे तो दोस्तों इसमें सेट हो जाएगा और इसे भी हम डिस्प्ले में सेट कर देते हैं। ये अपने इसमें डिस्प्ले में सेट कर दिया। ठीक है, ये डिस्प्ले में सेट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास में कितने 5 इमेज हो गए और छठा इमेज हमें लेना है यहाँ से। तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से हम इसको ले लें। कंट्रोल एक्स कंट्रोल आर कर दिया है तो ये यहाँ पे अपना सेट हो चुका है फोटो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब ये बाकी सीक्वेंस की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कंट्रोल ऑल अदर सीक्वेंस कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने फ़ोटो चेक कर लेते हैं, ये अपने फ़ोटो आ चुके हैं सारे के सारे, ये देखो जहाँ पे सही नहीं आ रहे उसे हम सेट कर लेंगे दोस्तों। तो अपने पास ये फोटो सही सेट नहीं हो रहा है, देखो ये फोटो सेट नहीं हो रहा है तो इसे हम सेट कर लेंगे। लेआउटर में जाके इसे इधर क्लिक कर देंगे, इधर खींच लेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक का, देखेंगे अब। ठीक है, ये सेट हो चुका है। इसे थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, लेआउटर में जाके इसे नीचे ले आएंगे ताकि ये हमें पूरा दिख जाएगा, अच्छे से डिस्प्ले में सेट हो जाएगा। ये यहाँ पे देखते हैं अब। ठीक है दोस्तों, ये अपना ये भी कंप्लीट हो चुका है और ये भी सही है, सेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने इमेज हमने यहाँ पे डाल दिए, चेंज कर दिए हैं। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आई इसमें, आसानी से ये सारे इमेज हमने चेंज कर लिए हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमें करना पड़ेगा अपने टैग्स। ठीक है दोस्तों, हमने
इसमें टैक्स चेंज करेंगे। तो देख यहाँ पे टैक्स अपना है श्री गणेशाय नमः लिखा है, अगर इसे और भी लिखना है तो और लिख सकते हो, तो श्री गणेशाय स्टार्टिंग में है तो अच्छा लगता है, सही है दोस्तों। अब यहाँ पे जो मेरा लिखा है नाम यहाँ पे अमृत कहार अमृत फोटोग्राफी, तो हम इसे चेंज करेंगे। तो इसे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही जो पिंक कलर का अपने पास में बॉक्स आ गया है तो हम इसे यहाँ से चेंज करेंगे। तो जैसे दोस्तों ये वाइट हो जाता है और होते ही हमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करते ही ओपन आ जाता है। इसमें कीबोर्ड शॉर्ट की भी है, आप शिफ्ट कंट्रोल पी दबाओगे तो ये खुल जाएगा। जैसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें फोटोशॉप में इनको चेंज करना पड़ेगा। और एक बात मैं और बता दूं कि फोटोशॉप अपने पास में CS6 से ऊपर वाला वर्जन होना चाहिए दोस्तों, CS6 से ऊपर वाला वर्जन होना चाहिए। आपके पास CS6 हो या इसी अपर, जैसे CC 2017, CC 2018, CC 2019, CC 2020, तो दोस्तों फिलहाल मेरे पास में CC 2020 है तो मैंने इसमें ओपन कर लिया है। आप इसको टेक्स्ट चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे दोस्तों अभी बताता हूँ। दोस्तों मैं हर बार बोलता हूँ कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसमें कमेंट करना, इसे लाइक करो और इसे सब्सक्राइब भी करो, ताकि आपके और भी दोस्त हैं जो ये जानकारी सीख के ETS एडिटिंग के बारे में। तो दोस्तों चलिए ये अपना जो है ये खुल चुका है, अब इसे चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो अपना डायलॉग बॉक्स दिख रहा है इसमें ऐड योर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसे हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला दूसरा पेज खुल जाएगा, फिर से हम इसमें डबल क्लिक करेंगे ऐड योर टेक्स्ट में, तो इसमें फिर डबल से क्लिक करेंगे, तो ये मैंने यहाँ से डबल क्लिक कर दिया है दोस्तों। अगर ये वाइट होने के कारण आपको ये वाइट फॉन्ट कलर इसका भी वाइट का है फॉन्ट का भी, तो ये कैसे आपको दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ से नीचे का जो ब्लैक बैकग्राउंड है इसे ऑन कर दीजिए तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ सेलेक्ट करके टी दबाऊंगा, टी से क्या टेक्स्ट का आ जाता है, तो यहाँ से कर देता हूँ मेरा वंश फोटोग्राफी कर देता हूँ मैं, वंश फोटोग्राफी हो गया है दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों इसे हम वापस हटा देंगे, ब्लैक बैकग्राउंड जो है यहाँ पे हमने ऑन किया था तो इसे हम ऑफ कर देंगे। और दोस्तों फाइल में जाके हम इसे सेव करेंगे, देखिए दोस्तों ये सेव हो गया, फिर से इसे यहाँ से हटा देंगे, फिर से दोस्तों इस फाइल को हम क्या सेव करेंगे, फाइल में जाके यहाँ पे सेव कर देंगे, फिर ये सेव हो जाएगा, फिर इसको हटा देंगे और फिर यहाँ से इसको सेव करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा टेक्स्ट चेंज हो चुका है, अब चलते हैं ETS 9 Pro में। देखिए दोस्तों ये यहाँ से अपना टेक्स्ट चेंज हो चुका है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर ये अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट तो ज़रूर करिए, कमेंट करना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करो, आपको बुरा लगे तो बुरा कमेंट करो, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसके बारे में मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मुझे आप मेरी कमी के बारे में बताओगे या आपके समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में बताओगे, ताकि मैं आपके अच्छे से हेल्प कर सकूँ और मेरे अंदर भी मैं सुधार कर सकूँ। तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखिए, और ध्यान से मेरा मकसद यही कि आप इसे ETS को अच्छे से सीखे और अच्छे से काम करें ताकि आपकी भी अर्निंग हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे रेंडर करते हैं। दोस्तों मैंने आपको रेंडर करना सिखाया था पिछले वीडियो में, तो दोस्तों इसके लिए हमें रेंडर करने के लिए F11 प्रेस करना पड़ेगा, तो मैं इसे F11 प्रेस कर देता हूँ। तो मैंने जैसे F11 दबाते ही यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, और यहाँ पे हमें H.264 पे ही हमें इसे
रेंडर करना है, तो इसमें एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद में हमें जहाँ पे इसे सेव करना है हम उस भी वहाँ पे सेव करेंगे। तो मैंने यहाँ से इसे यहाँ पे सेव कर दिया है और ये यहाँ पे अपना रेंडर होने लग गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।